अस्सलाम वालेकुम। बीइंग सोशल मीडिया मार्केटर और ई कॉमर्स इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, तो फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे मैं एक्टिव रहता हूँ और स्क्रॉल्स करता रहता हूँ पोस्ट। तो उमूमन मुझे जो पोस्ट नज़र आती हैं उनमें जो फ्रॉड या स्कैम का ताल्लुक़ होता है वो दराज, फूड पांडा, ईजी पैसा, कुछ बड़े प्रोमिनेंट नाम होते हैं, लेकिन उन सब में दराज का नाम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। यानी कि अगर पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में या ऑनलाइन बाइंग सेलिंग में जो फ्रॉड या स्कैम्स रिपोर्ट किए जाते हैं उनमें से हर 3 में से 2 दराज के साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक होते हैं। पहले तो क्लियरली ये बताता चलूँ कि दराज एक प्लेटफॉर्म है जो मल्टी वेंडर एक्सेस देता है। मल्टी वेंडर का मतलब जिस तरीके से आपके एरिया की लोकल जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार या बुध बाज़ार होती हैं, जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट बेस्ड एक ग्राउंड होता है जहाँ पर प्राइवेट सेलर्स यानी कि हर बंदा अपनी कैपेसिटी में अपना स्टॉल लगाता है जिसका गवर्नमेंट से इस सच कोई ताल्लुक नहीं होता, और जो बायर्स होते हैं वो भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं कि एक ही साथ एक ही बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो उस बाज़ार की तरफ रुख करते हैं। दराज ने वही काम ये किया है, बट सीन ये किया है कि उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। यानी कि आपके इलाके की बुध जुमा बाज़ार हफ्ते में एक बार लगती है, बट दराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटली मौजूद है। आपको उठकर, गाड़ी निकालकर, बाइक निकालकर या पैदल चलकर किसी बाज़ार में नहीं जाना और किसी एक दिन का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि आप 24/7 365 दिन साल के 365 डेज कभी भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं, दराज ऐप के थ्रू भी और दराज वेबसाइट के थ्रू भी, और अपनी रिक्वायर्ड चीज़, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। घर बैठे मंगवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे एरियाज़ में दराज की डिलीवरी है, बट बहुत सारे विलेजेस रिमोट बेस्ड होते हैं, तो उनको किसी करीब के गांव जाकर, तहसील या ज़िले में जाकर अपना पार्सल आज भी खुद पिक करना होता है। अब होता यह है कि जिस तरीके से बुध बाज़ार, इतवार बाज़ार वालों की जो मैनेज करते हैं या गवर्नमेंट मैनेज करती है, उनका कसूर नहीं होता अगर कोई स्टॉल वाला या कोई दुकानदार आपको कम वज़न वाली कोई चीज़ दे देता है, या आपको कॉटन बोलकर लॉन दे देता है, या परफ्यूम ओरिजिनल बोलकर आपको रेप्लिका भेज देता है, तो जिस तरीके से उसका कसूर नहीं होता, ठीक उसी तरीके से दराज पे अगर आपके साथ कोई सेलर स्कैम कर देता है या फ्रॉड कर देता है तो दराज का कोई कसूर नहीं होता। बट दराज फिर भी बहुत सारे एक्शंस ले रहा है, बहुत सारे लोगों को ब्लैक लिस्ट कर रहा है, या अगर आप शिकायत कर देते हैं या 1 स्टार रिव्यूज़ देते हैं तो उनकी रैंकिंग पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में फिज़िकल मार्केट प्लेसेस में फ्रॉड या स्कैम्स हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से वही बायर्स, वही सेलर्स डिजिटल भी मौजूद होते हैं, तो जब वो स्कैम करते हैं तो दराज इट्स सेल्फ रिस्पॉन्सिबल पूरा का पूरा नहीं होता, बट वो सेलर बेईमान होता है। अब मसला ये है कि मैं चूँकि इस फील्ड से बहुत अरसे से वाबस्ता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स के लें या कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताएं जिन्हें फॉलो करके आप हत्तल इम्कान, में ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% आप स्कैम या फ्रॉड अवॉइड कर देंगे या बच जाएंगे, बट आपका रेशियो कुछ कम हो जाएगा, और आपको मेरी कोशिश ये है कि वो चीज़ें शेयर करके आपको इतनी आसानी में आपके लिए क्रिएट कर दूँ कि नेक्स्ट ऑर्डर जो आप प्लेस करने जाएँ तो उन 2-3 बातों का अगर आप ख्याल रख लेते हैं तो इंशाल्लाह चांसेस ये हैं कि स्कैम्स और फ्रॉड अवॉइड आप कर सकते हैं। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैं आपको फर्दर 2-3 चीज़ें बताऊँ। दराज से प्रोडक्ट बाय करते वक्त जो चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट दराज मॉल का है या लोकल सेलर का है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मैन वॉचेस सर्च किया और मैन वॉचेस सर्च करने के बाद मेरे पास एक विंडो ओपन हुआ जिसमें मैन वॉचेस सारी की सारी लिस्ट डाउन होना शुरू हो गई। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक रेक्टेंगल बना हुआ है ब्लू कलर का जिसमें मॉल लिखा हुआ है, और बाकी सारे जितने भी सेलर्स हैं उनके साथ मॉल नहीं लिखा हुआ। तो दराज मॉल का जिनके साथ लोगो या आइकन एड ऑन होता है जिनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, उसका क्लियरली ये मतलब होता है कि ये वाला स्टॉक इस वक्त इस सेलर ने दराज के वेयर हाउस पर रखवाया हुआ है, और जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं तो सेलर के घर से, ऑफिस से या गोदाम से नहीं बल्कि दराज के गोदाम यानी कि वेयर हाउस से, उसके फुलफिलमेंट सेंटर से आप तक पहुंचता है, तो इससे उस प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि दराज मॉल पे वो या तो प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता या दूसरे लोकल सेलर्स वही चीज़ बहुत अच्छे रेट्स में बेच रहे होते हैं। अब सेम वॉच, सेम आर्टिकल, सेम डिस्क्रिप्शन के साथ दराज मॉल पे ये बिक रहा है 241 रुपीज़ का,
और यहाँ पर दूसरा सेलर, लोकल सेलर जो अपने वेयरहाउस से आपको पहुँचाएगा वो 174 यानी 174 रुपये का पहुँचाएगा। तो अगर करीब करीब डिफरेंस देखा जाए तो 70 रुपीज़ के अराउंड आपको ये डिफरेंस मिल रहा है। 25 रुपये यहाँ से 174 से ऐड करते हैं तो 200 रुपये एक, और फिर 50 रुपये 41 रुपीज़ एक, तो 75 की जगह आप 70 रुपीज़ का कंसीडर कर लें कि आपको वो मिल रहा है। डिस्काउंट्स ले लें या प्राइस डिफरेंस ले लें। अब प्राइस डिफरेंस चूंकि ज़्यादा है, अगर 5, 10, 15 रुपये का होता तो मैं आपको यही रेकमेंड करता कि दराज मॉल वाली चीज़ लें, बट अब चूंकि डिफरेंस ज़्यादा आ गया है, ऑलमोस्ट 70 रुपये का डिफरेंस आ गया है, तो वो वर्थ है, वर्थ करता है। तो हम ये चेक कर लेते हैं दोनों का डिफरेंस करके कि क्या है। अब पहली बात तो ये कि इसके टोटल 93 रिव्यूज़ मौजूद हैं और इसके टोटल 999 रिव्यूज़ मौजूद हैं, यानी कि 99,000 लोगों ने ये प्रोडक्ट रिव्यू किया है, यानी कि कम से कम मिनिमम मिनिमम 10,000 लोगों ने, मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा नहीं किया होगा, लेकिन 10,000 लोगों को भी हम अज्यूम करते हैं कि 10,000 लोगों ने ये प्रोडक्ट बाय किया है तो 1,000 लोगों ने ये रिव्यू किया है। ऑन दी अदर हैंड इस वाले प्रोडक्ट के 99 यानी कि सिर्फ 100 रिव्यूज़ हैं, यानी 1,000 लोगों ने ये प्रोडक्ट बाय किया है तो इसको रिव्यू किया है। अब रिव्यू चेक करने के भी डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं, यानी कि अगर मैंने इसको मैंने यहाँ पर इस विंडो में खोला हुआ है, अगर आप इस विंडो पर आकर खोलेंगे तो आपको ये चेक करना है इसके बाद कि अक्सर औकात आपको ये शिकायत होती है कि दिखाया कुछ और भेजा कुछ और, बट चूंकि अब रिव्यूज़ का दौर है, लोग रिव्यूज़ पढ़ने के बाद लेते हैं, तो भले आप दराज मॉल से ही क्यों नहीं ले रहे, आप पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि 882 यानी 882 लोगों ने 5 स्टार रैंक किया है इसको, और 44 लोगों ने 4 स्टार किया है, 25 लोगों ने 3 स्टार किया है, 21 लोगों ने 2 स्टार किया है, और 27 सिर्फ लोगों ने 1 स्टार किया है। 1 स्टार बहुत वर्स्ट होता है, जिसको प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता। 2 स्टार थोड़ा सा इसको बेहतर जानने वाले करते हैं, लेकिन ये भी बुरे रिव्यू में, नेगेटिव रिव्यू में आता है, ये आ जाता है मॉडरेट या दरमियाने रिव्यू में। ना तो इनको प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ना इनको बहुत बुरा लगा, ये 100-100 में आ जाता है। फिर 3 के बाद 4 स्टार अच्छे, ये दोनों जो रैंकिंग्स होती हैं 4 स्टार्स और 5 स्टार्स, ये अच्छे रैंकिंग माने जाती हैं, अच्छे रिव्यूज़ और स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ माने जाते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज 88% लोगों ने, क्योंकि 1,000 रिव्यूज़ हैं तो 88 का मतलब हुआ 88% 88% 88% आवाम ये कहती है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अब आपके इस सवाल का जवाब कि दिखाया कुछ और भेजा कुछ और का मसला भी बहुत सारे रिव्यूअर्स हल कर देते हैं ताकि पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो। इस बंदे ने या इस बच्चे ने इस घड़ी का रियल साइज़ अपने हाथ में पकड़ कर दिखा दिया है, यानी कि अब आप इजीली देख सकते हैं यहाँ से जाकर कि प्रोडक्ट का साइज़ ये दिखाया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है DSLR कैमरे से एडिटिंग करने के बाद ये प्रोडक्ट आपको एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ लगती है। बट असल ये होता है कि जब आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है तो आपको पता चलता है कि इसका एक्चुअल साइज़ क्या था या पहनने के बाद ये कैसी लगेगी। अब फॉर्चुनेटली इस रिव्यूअर ने हम सबके लिए ये आसानी कर दी है कि इसने पहनकर साइज़ क्लियरली दिखा दिया है और कलर भी दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप इसका रियल लुक देख सकते हैं अक्सर औकात रिव्यू में, ताकि आपके पास जब दराज का प्रोडक्ट आए तो आपको ऐसा ना लगे कि आपके साथ स्कैम हुआ है, बल्कि पूरी नॉलेज के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ये रिव्यूज़ देख सकते हैं। अब हम जो रिव्यू देख रहे हैं वो 5 दिसंबर 2021 का है, इसके बाद 2022 के 3 महीने गुजर चुके, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर आकर रेलिवेंस पर आएंगे तो वो आपको रिसेंट भी दिखा देगा कि कोई रिसेंट रिव्यू अगर आया है तो वो क्या था। रिसेंट रिव्यू करने के बाद मुझे पता चलता है कि 16 मिनट्स पहले एक रिव्यू आया है, और वो भी 5 स्टार रिव्यू मोहम्मद ए की तरफ से आया है, जिन्होंने वेरीफाइड परचेज़ की और दराज ने कहा कि हाँ ये लेजिट परचेज़ है, कोई फेक रिव्यू नहीं है। ये आप देख सकते हैं उसने दराज का पार्सल रखा है, इसने खोल कर नहीं दिखाया, तो मैं नेक्स्ट रिव्यू पर जाऊँगा जो 2 घंटे पहले आया है। 2 आवर्स पहले एक रिव्यू आया है, उसने पिक्चर्स वगैरह नहीं दिए इस तरीके से। जो 14 आवर्स 14 घंटे पहले एक रिव्यूअर ने रिव्यू किया है, उसने भी 5 स्टार रिव्यू किया है, और लकीली उसने भी पिक्चर्स पोस्ट की हैं, सो यू कैन सी इट कि ये उसने भी हाथ में रख कर दिखाई है। उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी खैर नहीं है, बट एनी हाउ उसने एफर्ट की है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दराज से जो बाय करता है वो हमेशा कोशिश करे कि रिव्यू करे, पिक्चर्स दे, ताकि आपके बाद आने वाले लोगों को बुरे या अच्छे प्रोडक्ट का पता चल सके। अब ये लोकल सेलर चूंकि हम लोगों ने रिव्यू किया था, हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि दराज मॉल वाला सेलर 241 की बेच रहा है और ये 174 की बेच रहा है, तो क्या किसके साथ लेना या किससे आपका सौदा करना मुनासिब होगा, जिससे आप पॉसिबल जो होने वाला स्कैम या फ्रॉड हो वो आप वो कर सकें, अवॉइड कर सकें।
99 रिव्यूज़ में इसके 83 रिव्यूज़ 5 स्टार वाले हैं, 4 रिव्यूज़ 4 स्टार्स वाले हैं, नॉट बैड। सिर्फ 2 रिव्यूज़ ऐसे हैं जो 1 स्टार हैं, 0 किसी ने भी इसको वो नहीं किया, 3 स्टार्स वाले 3 रिव्यूज़ हैं। तो ओवरऑल कुल मिला के 4.8 की रेटिंग बनती है और उस वाले जो ब्रांडेड स्टोर था उसकी रेटिंग बन रही थी 4.7 के अराउंडिश बन रही थी, ये आप देख सकते हैं। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है मॉल पे ना होने के बावजूद भी। इसका भी हम उसी तरीके से देख लेते हैं, रेलिवेंस में जाते हैं, रेलिवेंस को क्लिक करने के बाद हम रीसेंट पर जाते हैं और रीसेंट से आप देख सकते हैं कि सबसे करंट रिव्यू 33 मिनट्स पहले आया है और वो 5 स्टार रिव्यू आया है। फिर एक रिव्यू आया है एक दिन पहले और ये आया है चौधरी आई की तरफ से, उन्होंने रिव्यू करने के लिए पिक्चर तो पोस्ट की है बट वो आई गेस रेलिवेंट नहीं है, या बच्चे ने हाथ में पहनी हुई लेकिन वो घड़ी नहीं देखी जा सकती हाथ में, तो ये रिव्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। और 3-4 रिव्यूज़ ऐसे आए हैं रिसेंटली जिनमें पिक्चर्स नहीं आ रही हैं। फाइनली एक तस्वीर मिली है, रिव्यू मिला है, सॉरी 2 डेज़ पहले किसी ने रिव्यू किया है हाथ में रख कर, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी स्क्रीन की तरफ डालकर, ये आपको क्लियर तीनों नज़र आ रहे होंगे। तो आप इस सेलर से भी लेने का रिस्क ले सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके साथ रिव्यू या फ्रॉड हुआ होगा, क्योंकि पैसों का डिफरेंस अच्छा है। अच्छा, दूसरा हम आते हैं नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, वो भी मैंने आपको करवा दिया कि टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं, वो मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि कभी कभार किसी प्रोडक्ट पर, ये मैंने वही सर्च की हुई है, मैं आपको लेकर जाता हूँ, इन सब के ऊपर तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप सारी इनको देख सकते हैं अच्छे रिव्यूज़ वाले लोगों को, बट कुछ रिव्यूज़ ऐसे होते हैं जो बहुत कम रिव्यूज़ होते हैं और वो अट्रैक्टिव से पिक्चर्स लगा देते हैं। अब ये देखें, ये 399 में दे रहा है बंदा, यही चीज़ जो ऊपर हमने 2 रेट्स पर देखी, और इसके पास सिर्फ 2 रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये कि इसके पास ऑर्डर्स ही इतने कम हुए, लाइक 10 या 12 ऑर्डर्स हुए होंगे जिसमें से 2 लोगों ने दिया है, तो 10 टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते। ये घड़ी बहुत खूबसूरत सी लग रही है, इसको हम लोग वो करते हैं कि ये रियल पिक्चर कैसी लगेगी आपके आने के बाद। ये दराज मॉल का सेलर नहीं है, तो पहली चीज़ एहतियात करनी है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लोजली फॉलो करना है दूसरे सेलर्स के मुकाबले में। हम इसको फॉलो करते हैं, इसकी एवरेज रेटिंग 4.7 है, रिव्यूज़ बहुत कम है, और इसकी रियल पिक्चर उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने आ जाएगी, और फाइनली आ गई, और एकदम बकवास वॉच है, जैसी पिक में दिखाई दे रही है वैसी नहीं है, कलर भी सही नहीं है। हालांकि इस बंदे ने 5 स्टार्स दिए थे, कभी कभार बहुत सारे लोगों को नहीं देने आते रिव्यूज़, बट इसने ये दिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या कंप्लेन कर रहा है। ये घड़ी मिली है उसे, और पिक्चर में उसे ये दिखाया गया था गोल्डन कलर की चेन के साथ, गोल्डन कलर के कांटे, और सिर्फ 4 नंबर्स थे, बट उसे ये जब रिसीव हुई है तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये वो चीज़ नहीं है, हालांकि समहाउ सिमिलर चीज़ है, बट एक्सपेक्टेशन वो कहते हैं ना हाई कर लेना, तो आपको भी ये गलत फहमी ना हो, क्योंकि मेरे हिसाब से वॉच जिस प्राइस में दी जा रही है 400 रुपये में सिर्फ 49 डिलीवरी के साथ, 450 रुपये में घर बैठे अगर आपको ये वॉच कोई दे रहा है, तो आई गेस वो बहुत अच्छी फाइन जॉब कर रहा है। दूसरे बंदे ने कहा है कि गुड विथ फुल पैकिंग डिलीवर्ड ऑन टाइम एज वेल, दूसरे बंदे को शायद ये एहसास था कि इस घड़ी को इतने ही प्राइसेस में यही मुझे क्वालिटी मिलेगी, तो और उसके हाथ पर अच्छी भी लग रही है, तो आई गेस सेलर ने अच्छी जॉब की है। तो आपको ऐसा धोखा ना हो, क्योंकि हो सकता है कि इन साहब को ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई नेक्स्ट लेवल या ओरिजिनल सिटीज़न या ओरिजिनल राडो या उन्हें मिलने वाली है, तो ऐसा नहीं होता, तो ये चीज़ें भी आप केयर कीजिएगा ऑर्डर करते वक्त। एक्चुअल साइज़ इन रिव्यूज़ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्चुअल साइज़, उसका कलर, घर की रोशनी में वो कैसा लगेगा, उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप ले सकते हैं, रिव्यूज़ में जाकर फ़िल्टर लगा सकते हैं ताकि आपको रिसेंट रिव्यूज़ पता चलते रहें कि लोग अब करंटली इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो ये कुछ पॉसिबल चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपनी कंसिडरेशन में लाते हुए अपने स्कैम्स का या फ्रॉड का चांसेस कम कर सकते हैं। हमेशा रिव्यूज़ देख लिया करें, रिव्यूज़ भरपूर होने चाहिए, 5 स्टार रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और रियल पिक्चर्स या रियल इमेजेस के लिए आप दूसरों की पिक्चर्स जाकर रिव्यूज़ सेक्शन में देख सकते हैं।
तो मैं ये सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करता हूँ। इसके बाद भी फ्रॉड हो सकता है, इसके बाद भी डैमेज प्रोडक्ट निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लॉजिस्टिक पार्टनर यानी कि कोरियर वाला किस हिसाब से लेकर आता है, कौन सी कोरियर सर्विस यूज़ हुई हुई है, बहुत सारे लोग बोरों में भर कर, कट्टों में भर कर, बैग्स में भर कर फेंकते हैं, फिर उसको फिट करने के लिए, एक ही गाड़ी में फिट आउट करने के लिए पाँव से अंदर दबाते हैं। आपको तो जो लोडिंग या अनलोडिंग या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जो ताल्लुक रखता है उसे आइडिया होगा कि सीओडी के पार्सल्स कभी कभार किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। तो दराज को ब्लेम करें, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को फ्रॉड से बचाए। जो घटिया सेलर्स, हराम कमाने वाले सेलर्स, जो बिल्कुल ही दिखाते कुछ हो रहे हैं, लाइक घड़ी की आपको ऐड दिखाकर पत्थर भेज दिए, या मोमबत्तियाँ भेज दी, या न्यू कपड़े या न्यू फैब्रिक की बजाय यूज्ड क्लोथिंग के कोई ट्राउजर्स फेंक दिए, तो वो तो कम्प्लीटली हराम कमा रहे हैं। बट जो लोग रियल काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। खुद अपना माइंड ना बनाएं कि आपको क्या दिखाया जा रहा है और क्या बेचा जा रहा है। सोच समझ के लें कि प्राइस अगर 349 में अगर आपको ये घड़ी इतनी अच्छी लाइटिंग के साथ, फोटोग्राफी के साथ दिखाई जा रही है, तो वो आपको जब रिसीव होगी तो कैसी लगेगी। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा है, तो इसकी रियल पिक्चर देख लेते हैं। सिर्फ 6 लोगों ने इसको रेट किया है, रेटिंग ज़्यादा नहीं है, यानी कि 20-22 लोगों ने अब तक ये खरीदी होगी, क्योंकि हर बंदा रिव्यू नहीं करता, सुस्ती करता है। तो इनकी कोई पिक्चर ही नहीं आई है, इनके रिव्यूज़ में कोई पिक्चर नहीं है, तो ये चीज़ ना लीजिएगा जब तक आपको कोई ऐसा रिव्यू नहीं मिल जाता जिसमें आपको रियल पिक्चर दिखाई गई हो। रेलिवेंस करके हम लोग इसका भी रिसेंट देख लेते हैं कि सबसे ताज़ा या सबसे करंट किस बंदे ने ये परचेज़ की और क्या रिव्यू दिया है। इसकी कोई भी पिक्चर मौजूद नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपके पास जब ये पहुँचे तो आपको ये ना हो कि यार ये रियल में ऐसी लग रही थी, या मैंने एक्सपेक्टेशन ये कर ली, या आपने फ्यांसे को या हस्बैंड को गिफ्ट करनी थी लेकिन अंदर से निकली इतनी लोकल टाइप की घड़ी कि मैं नहीं दे सकता। तो आई गेस ये सारे टिक्स एंड ट्रिप्स आपके साथ हेल्प आपको हेल्प करेंगे अपनी नेक्स्ट परचेज करने में दराज के साथ, और पॉसिबल स्कैम को या फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।